हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ विज़मो टेक के अपने चैनल में, जिसमें हम ELKS टेक के बारे में पढ़ रहे थे। DevOps में मॉनिटरिंग की कितनी अहमियत है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम ELK के स्टैक को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं अगेन आपको देने के लिए इस थ्योरी को मैंने लिखा है। ELKS टेक पिछले ईयर तक क्या था कि ELKS टेक आज से 2 साल पहले तक सिर्फ समझा जाता था कि इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश और किबाना की टुगेदर मिलकर एक ELKS स्टैक बनाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है, लेकिन अब ये मॉनिटरिंग की दुनिया का शाहकार समझा जाता है। अगर आपको ELKS स्टैक कंप्लीट आता है उसकी मैनेजमेंट, तो आप आराम से कहीं भी मॉनिटरिंग की जॉब कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप जिन ह्यूज एप्लीकेशंस को मॉनिटर कर सकते हैं, और ये पॉपुलर भी इसीलिए है क्योंकि ये लॉग्स मैनेज करता है और ह्यूज अमाउंट में लॉग्स को मैनेज करता है, वरना तो लॉग जो है आप मशीन में भी देख सकते थे। तो ELK के यूज़ क्या है, जब आप ह्यूज एप्लीकेशन की बात करते हैं दोस्तों, ह्यूज एप्लीकेशन दैट मींस जहां पर हज़ारों, लाखों, करोड़ों के अंदर लॉग्स जनरेट होते हैं, डेटा आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर्स की जो एप्लीकेशंस हैं उसको ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो लॉग आ रहे हैं वो हर टाइम के टाइम टू टाइम देखने, तो ऐसा ना हो कि मशीन का लॉग 1 घंटे पहले आया हो और आपका जो मॉनिटरिंग टूल है वो 1 घंटे बाद लोड कर रहा हो, तो उस लॉग का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो इतनी टाइम डिलेइंग के साथ आपको लॉग दिखाता है। तो ELK एक ऐसा है जो आपको रन टाइम पर जो इवेंट अकर मशीन में होता है वही आपको दिखाता है। तो इसलिए ELK जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है DevOps में और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मैंने थ्योरी इसलिए बताई क्योंकि मेरे पास से इंस्टॉलेशन करने का मतलब है कि हमें ईच एंड एवरी कमांड जो हम रन करेंगे उसका रीज़न पता होना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले इंस्टॉलेशन करेंगे तो हम एक वेरीफाइड अपनी जो है ऑथेंटिक की इलास्टिक सर्च की ऐड कराएंगे इस कमांड से। इस कमांड से कुछ नहीं होना, हमारी जो है की ऐड हो जाएगी। उसके बाद APT ट्रांसपोर्ट HTTPS ऐड कराएंगे, जिससे जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो सिक्योर ट्रांसपोर्ट के तो प्रोटोकॉल के तहत हमारे पास तमाम चीज़ों को इंस्टॉल करेगा। फिर हम इलास्टिक सर्च की रेपोजिटरी इंस्टॉल करेंगे और देन हम अपना इलास्टिक सर्च इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इलास्टिक सर्च को इंस्टॉल तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, हम उसके अंदर वर्क कैसे करेंगे, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये अभी तो मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, अभी हम फौरन ही लैब करने वाले हैं, बट उससे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं ताकि जब हम लैब करेंगे तो आपको तमाम बेस पॉइंट पता होंगे। इलास्टिक सर्च की कॉन्फ़िगरेशन फाइल elasticsearch.yml होती है, जो कि जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे मशीन के अंदर ETC के फोल्डर के अंदर इलास्टिक सर्च का फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर एक फाइल पड़ी होगी elasticsearch.yml, जिसके अंदर जाकर हमने कुछ लाइन्स को अनकमेंट करना है जो कि पहले से कमेंट हुए होंगे। यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट होस्ट, जिसको हम लोकल होस्ट दे देंगे क्योंकि अभी फिलहाल हम अपने लोकल होस्ट में ELK स्टैक को इंस्टॉल करने वाले हैं और हम अपने ब्राउजर में देखेंगे तो यकीनन वो हमें लोकल होस्ट पे ही दिखाएगा, तो हम यहां लोकल होस्ट लिखेंगे। अदरवाइज अगर हम किसी मशीन में इंस्टॉल करेंगे तो हम वहाँ की IP दे देते हैं, ये बात हम बाद में करेंगे। अभी के लिए आप समझ लें कि हमें लोकल होस्ट लिखना है क्योंकि हमें अपने मशीन के अंदर Ubuntu के अंदर इंस्टॉलेशन करनी है। ट्रांसपोर्ट TCP पोर्ट ये 930 है और HTTP पोर्ट 9200, ये सिक्योर पोर्ट के लिए, और ये HTTP पोर्ट है यानी कि हम लोकल होस्ट और उसके बाद इस पोर्ट को लिखें अनकमेंट करेंगे तो हमारा लोकल होस्ट 9200 पे हमें हमारा इलास्टिक सर्च नज़र आने लगेगा। तो गाइस बस इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसको अनकमेंट करेंगे तो हमारे इलास्टिक सर्च जो है कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इंस्टॉलिंग ऑफ लॉग स्टैश। लॉग स्टैश भी क्या है कि लॉग स्टैश रिक्वायर्स जावा 8 और जावा 11 टू रन, सो वी विल स्टार्ट प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप लॉग स्टैश, क्योंकि लॉग स्टैश जावा को प्रेफर करता है, जावा पे बना हुआ है तो उसको जावा की नीड होती है। तो गाइस जावा अगर आपके पास पहले से नहीं है तो हमारे लिए एक सिंपल से कमांड होगी apt-get install java.jre, हम ये चलाएंगे और हम अपना
हमारा लॉग स्टैश की फिर दूसरी कमांड होगी apt-get install log stash और हमारा लॉग स्टैश इंस्टॉल हो जाएगा। गाइस इतनी सी चीज़ें हैं, मैं आपको ये थियोरेटिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम जब लैप करेंगे तो हम बिल्कुल रेडी होके करेंगे। उसके बाद हम इंस्टॉलिंग किबाना करने वाले हैं। किबाना बहुत ही आसान सी चीज़ का नाम है जो कि हमारे इलास्टिक सर्च और लॉग स्टैश जो हमारी मशीन से लॉग्स को खींच के लाएगा, इलास्टिक सर्च पर फेंकेगा। इलास्टिक सर्च जो हमें लॉग्स दिखाएगा उस सॉफ्टवेयर का नाम किबाना है। किबाना ही हमें सारे लॉग्स दिखाता है, हम किबाना पे ही सारी मॉनिटरिंग करते हैं। और उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कमांड चलानी है, sudo apt-get install किबाना। अच्छा जी, इसको इंस्टॉल करने के बाद होगा क्या कि हमारे पास हमारी मशीन के अंदर etc किबाना के अंदर एक फाइल बन जाएगी kibana.yml, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं, क्योंकि हम इसी के अंदर बताएंगे कि भाई इलास्टिक सर्च जो है हमारे ब्राउज़र पे लोकल होस्ट 9200 पे चल रहा है, यहाँ पर से लॉग्स उठाओ और हमें दिखाओ। तो उस जब हम ये वाली फ़ाइल खोलेंगे तो उसके अंदर ये लाइन्स होंगी, नेटवर्क होस्ट प्राइवेट आईपी वहाँ पर लिखा हुआ होगा, वहाँ पर उसकी पोर्ट बता देंगे हम, और हम तमाम सेटिंग जैसे करेंगे अभी हम जैसे लैब करने वाले हैं तो आपको तमाम चीज़ें पता चल जाएगी। जैसे ही हम किबाना को इंस्टॉल करेंगे तो लोकल होस्ट पे हमारे हम जो पोर्ट उसको देने वाले हैं उस पोर्ट पे हमें ऐसा डैशबोर्ड नज़र आने लगेगा गाइस, जो कि हम बहुत जल्द अपनी देखने वाले हैं। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉल सबसे पहले करेंगे एंजिनक्स, और एंजिनक्स के साथ साथ हम जावा को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि लॉग स्टैश हम पढ़ चुके हैं, लॉग स्टैश जो है वो सपोर्ट करता है जावा को। तो जावा 8 या 9 या 11 जो भी हम इंस्टॉल करना है, अगर हमारे पास इंस्टॉल नहीं है तो हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। और जो है उसके अलावा बहुत ही आसान इंस्टॉलेशन है जावा की भी, और हम उसके अलावा एंजिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। एंजिनक्स की भी बहुत ज़्यादा आसान इंस्टॉलेशन है। एंजिनक्स को इंस्टॉल करना है दोस्तों सिंपली, अगर मैं आपको समझाऊंगा, कुछ भी हम इंस्टॉल करते हैं जो कि हमें ब्राउज़र में देखना है तो हमें उसके लिए एक वेब ब्राउज़र चाहिए होता है। तो मैं एंजिनक्स इंस्टॉल करूंगा क्योंकि डेवऑप्स ज़्यादातर एंजिनक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिवर्स प्रॉक्सी भी हमें जो है इसके अंदर फीचर मिल जाता है। अपाची भी एक वेब ब्राउज़र है लेकिन मैं उस पर कम यूज़ करता हूँ, एंजिनक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ इसके लिए। और हमें एंजिनक्स के लॉग अपने अभी जो हम किबाना इंस्टॉल करेंगे तो किबाना के अंदर हमें कुछ लॉग्स भी देखने हैं, तो हम एंजिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं अपने पास, और हम जावा इंस्टॉल करेंगे क्योंकि लॉग स्टैश हमारे पास जावा पे चलता है। तो चलिए दोस्तों अपनी लैब की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारी लैब जो है स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर हम सबसे पहले जैसे मैंने आपको गाइड किया था कि हम जो है पहले जावा इंस्टॉल करेंगे ELK के लिए, क्योंकि लॉग स्टैश के लिए जावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टॉल जावा हमें करना पड़ेगा, 9, 11 कोई सा भी वर्जन आपके पास है। तो अगर आपके पास पहले से है तो आप वर्जन वाली कमांड चला कर चेक कर सकते हैं, java-version लिखेंगे तो आपके पास मेरे पास क्योंकि पहले से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो वर्जन आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इंस्टॉल वाली कमांड चलाकर दिखाऊंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप तो भी चला लें, और मेरे पास है तो भी मैं आपको चलाकर दिखा रहा हूँ ये कमांड sudo apt-get install jdk8। और ये जो है इसने मुझे बोल दिया कि आपके पास पहले से ये जो है ऑलरेडी जो है इंस्टॉल हुआ हुआ है। अब दोस्तों हम जो है जावा कर चुके हैं तो अब हम जो है एंजिनक्स को इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारे वेब सर्वर के तहत काम कर रहा होगा, और इसके अंदर रिवर्स प्रॉक्सी भी होती जो, तो अभी हम रिवर्स प्रॉक्सी पे तो काम नहीं कर रहे लेकिन डैश किबाना के अंदर हम तमाम लॉग्स देखेंगे अपने एंजिनक्स के, और हमें किबाना भी तो देखना ही है अपने वेब ब्राउज़र में, तो हमें एंजिनक्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसकी सिंपल सी कमांड है sudo apt-get install एंजिनक्स, हम इंटर करेंगे, और हम मेरे पास एंजिनक्स पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए उसने बहुत जल्दी कर दिया, आपके पास एंजिनक्स वक्त लगा सकता है। ठीक है दोस्तों हमारा एंजिनक्स इंस्टॉल हो चुका है, और अब हम जो है इंस्टॉल करने वाले हैं अपने इलास्टिक सर्च को। तो इलास्टिक सर्च को जो है हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम रिकॉल कर लेते हैं इलास्टिक सर्च के अंदर हमने क्या क्या करना है। इलास्टिक सर्च की रेपोजिटरी इनेबल करनी पड़ती है, इलास्टिक सर्च रेपोजिटरी इनेबल एक्सेस टू ऑल द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन द ELK स्टैक। ELK स्टैक भी कुछ प्लगइन यूज़ करता है, तो उन प्लगइन्स को जो है हम जब बाद में जब हमें यूज़ करना होगा तो हमें इलास्टिक सर्च कैसे अलाउ करेगा हम उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लें, तो हमें एक ऑथेंटिकेशन ऐड करनी पड़ती है, उसकी की ऐड करनी पड़ती है जो कि सिंपल सी कमांड दी हुई है। अगर मैं आपको डायरेक्ट चला देता तो आप वो कर लेते, आपको इस थ्योरी की नीड नहीं होती, लेकिन मैं आपको ये पहले से गाइड कर रहा हूँ कि ELK स्टैक जो है मल्टीपल से पेस्ट करें और इंटर करें, और ये फाइल मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको पूरी फाइल को
चला सकते हैं। और ये देखें ओके लिखा हुआ आ गया, दैट मीन्स हमारे पास की ऐड हो चुकी है। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, HTTP ट्रांसपोर्ट लेयर ऐड करते हैं ताकि हमारे पास तमाम पैकेजेस जो है सिक्योर प्रोटोकॉल के तहत इंस्टॉल हो। और इसके लिए भी सिंपल से कमांड है जिसको हम चलाएंगे और हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा और ये हमारे पास इंस्टॉल, मेरे पास पहले से इंस्टॉल थी इसलिए जल्दी होगी, आपके पास मे भी पॉसिबल वर्क लग सकता है। अब जो है हम ईएल के इलास्टिक सर्च की जो है रेपोजिटरी को ऐड करेंगे और इसके लिए भी मैं कमांड आपको डिस्क्रिप्शन या पूरी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है स्टेबल मैन, ठीक है, तो ये बन चुकी है। अब हम सिंपल क्या करेंगे कि हमने अपने पहले सिस्टम को अपडेट करना है ताकि जो है हम ये तो बाकी कमांड्स तो हम चला चुके हैं, अब हम जो है अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे ताकि हम इलास्टिक सर्च को इंस्टॉल कर सकें। सिस्टम अपडेट क्यों करना है, ताकि पहले से जो हमने इंस्टॉलेशन की है वो जो है उनको अपडेट कर देगा और पैकेजेस जो पहले से पड़े हुए सिस्टम उसको अपडेट करेगा, फिर हमारे इलास्टिक सर्च को इंस्टॉल करेगा। तो देखें इसने कितने सारे पैकेजेस मेरे पास जो है अपडेट करे हैं मेरे सिस्टम ने। अगर मैं ये इसको किए बगैर इंस्टॉल करता तो कभी इशू आ सकता था इसके अंदर। जो है उबंटू हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं तो वो अपडेट हमें करनी पड़ती है ताकि वो उबंटू की मेन रिपोजिटरी से अपने आप को अपडेट कर ले। तो ये मेरा सिस्टम जो है अपडेट हो चुका है, अब जो है हम आराम से अपना इलास्टिक सर्च इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसकी भी सिंपल सी कमांड है sudo apt-get install elastic search और ये हमने पेस्ट की और इंटर किया और ये हमारा इलास्टिक सर्च इंस्टॉल होने लगा है। और ये वेट करते हैं इसका अनपैकिंग इलास्टिक सर्च। अच्छा दोस्तों यहाँ पर देखना है कि वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोल रहा है कि आपको अभी कॉन्फ़िगर करनी है या आप बाद में करना चाहते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए वाई यस और एन के, अगर आपको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रखनी है तो आप एन सेलेक्ट कर सकते हैं और मैं भी एन ही रखूँगा क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन बाद में देखनी है। तो मैंने एन रखा है और हमने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसकी और हमारी इंस्टॉलेशन डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पर स्टार्ट हो गई है। तो हम इसका वेट करते हैं कि जो है हमारी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ इलास्टिक सर्च इंस्टॉल कर दे। दोस्तों मॉनिटरिंग डेवऑप्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और अब हम देखेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कहाँ होती है, ठीक है। कॉन्फ़िगर करेंगे हम अपने इलास्टिक सर्च को, ये इंस्टॉल हो चुका है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा तो आप ये देखेंगे कि आपके ETC इलास्टिक सर्च की फ़ाइल बन चुकी होगी आपके लोकल होस्ट के अंदर, यानी कि आपकी मशीन के अंदर आपके ETC में। यहाँ पर डायरेक्ट कमांड दी हुई है sudo nano, nano कर रहा है फाइल डायरेक्ट डायरेक्टरी से, लेकिन मैं आपको कंप्लीट सिखाना चाहता हूँ इसलिए हम खुद पहले जाएंगे डायरेक्टरी में और फिर देखेंगे डायरेक्टरी बनी भी है या नहीं। तो CD करके मैं डायरेक्टरी में जाता हूँ, CD ETC इलास्टिक सर्च। दोस्तों ये मुझे जाने नहीं देगा क्योंकि ये वाली देख लें जो है परमिशन नहीं होती यहाँ पर। मैं sudo करके जाऊँगा तो भी मुझे जाने नहीं देगा फ़िलहाल क्योंकि मैंने उसको राइट्स नहीं दिए हुए। अभी देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं sudo करके जाऊँगा तो भी मुझे जो अच्छा sudo के साथ CD लिख दिया है मैंने, लेट मी रिमूव CD, मैं sudo करके जाऊँगा तब भी वो मुझे जाने नहीं देगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं पहले रूट यूज़र पे आ जाता हूँ। हम इसको परमिशन दे सकते हैं बट हम अभी जो है परमिशन वाला नहीं सीख रहे हैं, मैं आपको अभी वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं रूट पर आ जाता हूँ, मैं रूट पर आ गया हूँ स्विच यूज़र करके। अब मैं इस डायरेक्टरी में जाऊँगा तो मुझे आराम से जाने देगा, मैं रूट यूज़र पे हूँ, CD ETC इलास्टिक सर्च और टैब दबाऊँगा तो मेरा ये पूरा फोल्डर खुद ही यहाँ पर आ जाएगा। टैब दबाऊँगा आ गया हूँ मैं अपने फोल्डर में और यहाँ देखें कि मेरी वो तमाम इलास्टिक सर्च इंस्टॉल करने के बाद तमाम फाइल जनरेट हो गई। इलास्टिक सर्च की स्टोर, की स्टोर इनिशियल, सारी चीज़ें जो ये मेरे इलास्टिक सर्च इंस्टॉल करने के बाद हुई हैं। तो हमें जो काम करना है कॉन्फ़िगरेशन वो हमारे इलास्टिक सर्च डॉट YML में करना है। तो हम नैनो करेंगे इलास्टिक सर्च डॉट YML और हम इस फाइल को खोल लेंगे ताकि हम इलास्टिक सर्च की कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। तो ये मैंने नैनो करके फ़ाइल खोल ली है, अगर आपके पास नैनो इंस्टॉल नहीं हो तो उसको भी apt-get इंस्टॉल नैनो करके इंस्टॉल कर लें और ये फ़ाइल खोल लें। ये फाइल एडिटर होता है उबंटू के अंदर, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको पता है तो आई एम सॉरी। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें अनकमेंट करनी है चीज़ें। मेरे पास पहले से अनकमेंट हुई हुई होंगी क्योंकि मैं इलास्टिक सर्च पहले से यूज़ करता रहा हूँ। तो नेटवर्क होस्ट सर्च करें और नीचे स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं, नेटवर्क होस्ट देखते हैं
और अगर वो कमेंटेड है तो एक मेरे पास अनकमेंट हुआ हुआ है पहले से। आपके पास ये कमेंट हुआ हुआ होगा, आपने हैशटैग का साइन हटा देना है ताकि ये अनकमेंट हो जाए। अनकमेंट के साथ आपने HTTP पोर्ट को भी अनकमेंट करना है ताकि वो इस पोर्ट पर अपने आप को चला सके। तो ये आपके पास ऐसे कमेंट हुए हुए होंगे और आपको जो है इनको अनकमेंट करना होगा। ऐसे आपने हैशटैग मिटाना होगा, आप मिटा दें। और नेटवर्क होस्ट की जगह जो है आपने क्या देना है, यहाँ पर IP दी हुई थी सेटिंग में, लेकिन आपको लोकल होस्ट देना है क्योंकि आप अपनी मशीन में चलाने वाले हैं, आपकी मशीन आपका लोकल होस्ट कहला रही है। जब हम किसी मशीन में जाएंगे तो देखेंगे कि हम उसकी IP देंगे। अभी फ़िलहाल आप लोकल होस्ट पे चला रहे हैं तो आपने लोकल होस्ट देना है यहाँ पर, और उसके बाद HTTP पोर्ट हम दे देंगे। और फिर ये जो है हम सिंगल नोड चला रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं होता जो मैं अभी डिस्कवरी वाला करने लगा हूँ, आपने ये करना, आप चाहें तो ना करें, ये चाहें तो करके देख लें। अगर आपके पास कोई एरर आता है तो इसको दोबारा कमेंट कर दीजिएगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको अनकमेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं ये क्लस्टरिंग के लिए होता है, मैं सिंगल नोड बना रहा हूँ इलास्टिक सर्च की अभी, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई हमारी टाइप जो है वो सिंगल नोड है। आप चाहें तो इसको ना करें, मैं रिकमेंड करूँगा कि नहीं करके चेक कर लें। अगर एरर आपके पास ना आए तो इस फाइल में आकर वापस इसको कमेंट कर दीजिएगा या अनकमेंट कर दीजिएगा। अभी मैं अनकमेंट करके इसको चलाऊँगा, ठीक है गाइस। बाहर आना है हमें और हमें JVM वाली फाइल में भी करना है, तो हम पहले इसको सेव करते हैं। कंट्रोल ओ और कंट्रोल एक्स से मैं बाहर आ गया हूँ, कंट्रोल ओ से सेव करते हैं और कंट्रोल एक्स से बाहर आते हैं। अब हम देख रहे हैं कि JVM ऑप्शन में हमें जो है हमें हीप साइज़ जो है इसका देखना होता है कि वो पहले से 512 MB दे रहा है या नहीं। तो हम JVM ऑप्शन वाली फाइल को नैनो करेंगे, NaNo JVM डॉट ऑप्शंस, ये नैनो हो गया। और अब हम सर्च करेंगे, ठीक है, XNX नीचे आ जाए, ये नहीं है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है 4G, ये नहीं है, नीचे आना पड़ेगा हमें, स्क्रॉल करना पड़ेगा। हम फाइल को स्क्रॉल करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है पहले से ही ऐसे हुए हैं। अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेंगे, यहाँ पर आपके पास ऐड नहीं है तो आप ये वाले दो लाइंस ऐड करा दें, XMS 512M और XMX 512M, तो आप ये जो है अपने पास ऐड करा दें। कंट्रोल ओ से सेव करें, कंट्रोल एक्स से बाहर आ जाएं। ये मैं आपको बता भी देता हूँ चीज़ें कि नैनो को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, अब हम इलास्टिक सर्च को इनेबल करेंगे और सर्विस को स्टार्ट करेंगे। ये हमारी कमांड है सिस्टम सिटकेल इनेबल इलास्टिक सर्च सर्विस, हमने इलास्टिक सर्च की सर्विस को इनेबल करना है। और जो ये कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली हैं, आप ये चलाएंगे तो देखेंगे सक्सेसफुली इसने इनेबल कर दिया है, मेरे इलास्टिक सर्च की कॉन्फ़िगरेशन ओके हो गई है बिल्कुल। उसके बाद हम अपने जो है इलास्टिक सर्च को टेस्ट कर सकते हैं। लेट मी टेस्ट, हम अपने इलास्टिक सर्च को टेस्ट कर सकते हैं। कहाँ टेस्ट करेंगे कि हम अपने URL, आप अपना ब्राउज़र में जाएं और जाकर अपने टाइप करना है, क्योंकि हमने नेटवर्क होस्ट में क्या दिया था दोस्तों, याद करें जल्दी से, हमने क्या दिया था, लोकल होस्ट। तो हम लोकल होस्ट लिखेंगे और लोकल होस्ट के साथ हमने क्या पोर्ट दी थी, इलास्टिक सर्च जो है डिफ़ॉल्ट 9200 की पोर्ट पे चलता है, तो हम 9200 की पोर्ट लिखेंगे लोकल होस्ट पे और हम जाकर देखेंगे। ये मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए हमने लोकल होस्ट लिखा था 9200 था, तो चले हम ब्राउज़र में चलते हैं और चेक करते हैं कि लोकल होस्ट लिखते हैं और कॉलन 9200 व्हाट शुड वी सी, और ये हमारा इलास्टिक सर्च यहाँ पर चल पड़ा है और इसकी API ने हमारे पर JSON फॉर्मेट में हमारी मशीन का डेटा दे दिया है कि यहाँ पर इलास्टिक सर्च चल रहा है। तो दोस्तों जब आपको ये पेज नज़र आ जाए तो आपने समझ जाना है कि जो है आपकी इलास्टिक सर्च चल रही है। और दोस्तों टर्मिनल से भी आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है ब्राउज़र में जाके देखें, कल की कमांड से भी आप अपना वो जो है URL देंगे तो आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाना चाहिए। ये DevOps के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कुछ कमांड्स आपको मैं बताता रहूँगा हमेशा ताकि आप उसको परफेक्टली इस फील्ड में काम कर सकें। कल करेंगे तो देखें वही चीज़ आपको दिखाएगा जो ब्राउज़र के अंदर दिखा रहा है, यही चीज़ आपको ब्राउज़र के अंदर मौजूद है, यही आपके टर्मिनल में मौजूद है, तो आप रिज़ल्ट अपना टर्मिनल में भी देख सकते हैं। कल करके आप URL देख के अपना इलास्टिक सर्च को देख सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हमने इलास्टिक सर्च की कॉन्फ़िगरेशन तो डन कर ली, अब हम चलते हैं अपने किबाना की तरफ ताकि हम कुछ तो अपने वेब ब्राउज़र में यमी सा देख सकें। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, मैं सीडी करके बाहर आ जाता हूँ, क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल ताकि आपको दोबारा स्क्रैच से हम चलते हैं, हम उन डायरेक्टरीज से बाहर आ जाते हैं जहाँ हम थे, ताकि मैं आपको दोबारा बता सकूँगा कि किबाना जब हम इंस्टॉल करेंगे तो उसकी कौन सी डायरेक्टरीज होंगी, कहाँ इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो अब जो है हम जो ये ग्राफिकल आपको पता है फेस होता है ALK stack का, जो कि हमारे लॉग्स दिखाता है, तो हम इसको सिंपल सी एक कमांड से इंस्टॉल करने वाले हैं। सॉरी कट हो गया, लेट मी रिवर्ट इट, कंट्रोल्स और पेस्ट, और ये हमारा किबाना इंस्टॉल हो रहा है। लेट इट इंस्टॉल, ये पहले से मेरे पास इंस्टॉल था इसलिए सर्विसेज को स्टॉप करके दोबारा उसको रीस्टार्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये है कि हमें जो है ALK की जो सॉरी किबाना की जो फाइल है वो kibana.yml है, वो कहाँ बनेगी, etc किबाना के अंदर बनेगी। वही बात है, परमिशन नहीं होगी अगर मैं नॉर्मल यूज़र से जाऊँगा, सूडो से आप चला लें फ़िलहाल, अदरवाइज़ मैं आपको सिखा दूँगा कि जो है इनकी चेंजेस परमिशन कैसे चेंज करनी है डायरेक्टरीज़ की, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, आपको नहीं बताना चाह रहा। लिनक्स को मैं अलग से लेकर चल रहा हूँ लिस्ट के अंदर, जिसमें बना दूँगा आपको। तो ये जो है अगर डायरेक्टरीज़ को अगर आपकी परमिशंस नहीं है तो लेट मी डू इट के, तो हम अपना किबाना इंस्टॉल करते हैं, sudo apt-get install किबाना को इंस्टॉल करते हैं और हम जो है कॉन्फ़िगर करेंगे उसे। तो कॉन्फ़िगर करने की बात है दोस्तों, CDETC किबाना के अंदर आ जाते हैं। ETC किबाना के अंदर हमारी kibana.yml की फ़ाइल पड़ी हुई, जिसको हम नैनो करके ओपन कर लेते हैं। अब तो आप तमाम चीज़ें सीख ही चुके हैं कि नैनो कैसे करना है, और हम फिर उसके अंदर ये कमेंट वाली जो चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र आएंगी, सर्वर पोर्ट हमें 5601 रखनी है, और हमें जो सर्वर होस्ट जो है वो लोकल होस्ट रखेंगे अपना, क्योंकि हम लोकल होस्ट भी चला रहे हैं, उसको अनकमेंट करते हैं, लोकल होस्ट लिखते हैं, योर होस्ट की जगह लोकल होस्ट लिखते हैं, और जो है हमने इन चीज़ों को अनकमेंट भी कर दिया है। ये मेरे पास पहले से है, क्योंकि जो है मैं जो है पहले से काम करता रहा हूँ, तो आपको मैं ये फ़ाइल का डिफरेंस दिखा रहा हूँ। आपने बस हैशटैग मिटाने, अनकमेंट करना है, नीचे इलास्टिक सर्च में आपको बताना है कि मेरा इलास्टिक सर्च का होस्ट क्या है, कहाँ चल रहा है मेरा इलास्टिक सर्च, लोकल होस्ट 9200, ताकि किबाना आपका जो लॉग्स हैं वो कहाँ से उठाएगा, लोकल होस्ट 9200 से उठाएगा। तो आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरा इलास्टिक सर्च जो है वो यहाँ चल रहा है। तो जो है उसके बाद आपने ये लिखना है HTTP के साथ, एंड देन वी विल डू इट कि हम Ctrl+O करके फाइल को सेव करेंगे। मैं आपको कमांड लिख दे रहा हूँ ताकि आप जो है ये चीज़ें कर सको, +X करके हम बाहर आ जाएंगे, गो बैक टू टर्मिनल, और हम अप्लाई करें Ctrl+O, सेव, Ctrl+X, बाहर। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, हम अपने किबाना को कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, हम इनेबल करेंगे किबाना की सर्विस को इस कमांड से, sudo systemctl start किबाना, हमने एंटर किया, और अब जो है देर इज़ नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम जो है किबाना को इनेबल करते हैं अपने सिस्टम पे इस कमांड से, sudo systemctl इनेबल किबाना, पेस्ट करते हैं, और ये जो है हमारे सिंक्रोनाइज हो चुका है, इनेबल हो चुका है। अब हम अपना किबाना जो है, अच्छा अगर आपके पास ये नहीं चल रही हो किबाना, आपको डैशबोर्ड नज़र ना आ रहा हो, तो आपको फायरवॉल से अपना जो है इस पोर्ट को ऑन करना होता है। टेंशन नहीं लें, आपका भाई ज़िंदा है, वो आपको ये कमांड भी देगा कि sudo UFO allow 560 TCP, आपने ये चलानी है ताकि आपकी वो पोर्ट अलाउ हो जाए। फायरवॉल अक्सर बंद करके रखता है, देखें ये रूल एडिट हो गए, अब ये जो है हमारे किबाना को हम लोकल होस्ट 5601 पे देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने 5601 पोर्ट दिए। याद रखें कि हमने किबाना की YML में ये देखें, ये हमने दी थी 5601। सो गो टू आवर ब्राउज़र एंड टाइप लोकल होस्ट पोर्ट 5601 एंड एंटर,
And welcome to Kibana, guys. This is your dashboard. This is your yummy dashboard. आप देखें कि आपने Kibana का ये dashboard है, ये अभी फ़िलहाल home है. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में समझने वाले हैं. मैंने आपको बहुत स्लो से लेकर चला हूँ ताकि आप मेरी ईच एंड एवरी थिंग को समझ सको. डिस्कवर के अंदर सारे लॉग्स आएंगे. अभी आपको कोई लॉग नज़र, ये तो मेरे पास पहले से चल रहा है ना, तो आपको नज़र आ रहा है. अभी आपको, आपके पास कोई लॉग नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो सेटिंग तो मैं अभी आपकी करवाऊँगा. अभी आप सिर्फ ये देखें कि आपके पास लॉग जो है, आपके पास ऐसे Kibana आपको नज़र आ रहा है. इसके अंदर मल्टी चीज़ें, अलर्ट आप कर सकते हैं, इसमें अलर्ट लगा सकते हैं कि आपकी मशीन पर कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी होती तो वो ये आपको अलर्ट सेंड करेगा. फॉर मल्टी पर्पज़ आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो है Kibana आपको देता है. अच्छा जी, तो हमने कर लिया. अब हम लॉग स्टैश को कर लेते हैं क्योंकि हमारे मशीन से जो लॉग्स फेंकने हैं वो तो लॉग स्टैश ने करने. अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और हम सीडी करके बाहर आ जाते हैं ताकि हम इसको फ्रेश इंस्टॉलेशन कर सकें. ये हमारा कलेक्ट करेगा. अच्छा, डिफ़ॉल्टली जो है ना लॉग स्टैश डिफ़ॉल्टली जो है हमारा चल रहा होता है इलास्टिक सर्च के साथ. हम अभी तमाम चीज़ें तो इसके साथ नहीं करेंगे. लॉग स्टैश से लॉग्स फेंक के नहीं दिखाऊंगा, फिलहाल सिर्फ इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा. ठीक है, तो ये हमारी कमांड सिंपल सी, sudo apt install log stash, और ये हमने किया. मैं आपका रिजल्ट आपका टर्मिनल में दिखाऊंगा. लॉग स्टैश चल रहा है लेकिन मैं आपको लॉग्स फेंक के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाएगी, फिर आप घबरा जाओगे. इतनी सारी चीज़ें मैं अगर आपको एक साथ बताऊं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही फाइल बीट देने वाला हूं. फाइल बीट जब आप करेंगे तो आपको मैं मशीन से एंजिनक्स जो हमने सबसे पहले इंस्टॉल किया था उसके लॉग्स आपको Kibana में दिखाऊंगा, तो आपको फिर करने का मज़ा आएगा. तो दोस्तों, स्लो से स्टेप आगे बढ़ाएंगे ताकि आप वो तमाम चीज़ें सीख सकें जो आपको सीखनी चाहिए, ना कि हम सिर्फ गधे घोड़ों की तरह भागें, कि हम ऐसी चीज़ के पीछे भागें जिसका हमें कोई रिजल्ट नज़र ना आए. तो दोस्तों, हम DevOps को सीख रहे हैं और DevOps के अंदर हमें ज़रूरी होता है कि ईच एंड एवरी कमांड जो हम चलाते हैं उसकी लॉजिक हमारे क्लियर होने चाहिए ताकि हम जब वो बाद में हमें इंटरनेट की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर मुझे इंटरनेट एक्सेस नहीं होता, तो दोस्तों तब मेरे लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इंटरनेट एक्सेस क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर में काम करता हूँ. तो दोस्तों, वहाँ पर फिर आपकी जो बॉन्डिंग शुरू होती है तो आप परेशान होते हैं. तो इसलिए मैं आपको, इसलिए जो है मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन को भी इतना आपके लिए लंबा करके बताया था कि आप ईच एंड एवरी कमांड जो भी मैंने चलाई है आपको तमाम चीज़ें बताइए कि एक एक कमांड का क्या क्या मतलब था, एक एक कमांड क्यों मैंने चलाई आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर पता है. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक एक कमांड जो चलाई है उसका मतलब मुझे नहीं पता. अदरवाइज़ मैं आपको ये फाइल्स जो मेरे बराबर में पड़ी है सिर्फ इसको चला चला के मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा सकता था, लेकिन मैंने आपको कम्प्लीट उसकी थ्योरी बताई कि हमने HTTP ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों ऐड की है, की क्यों ऐड की है, वगैरह वगैरह. दोस्तों, सेमली लॉग स्टैश भी जो है ELK की तरह अपनी डिफ़ॉल्ट फाइल की कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है, तो मैं N दबाऊंगा क्योंकि मुझे इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट फाइल के तौर पे करना है, तो मैंने N दबा दिया और मेरा लॉग स्टैश जो है गोइंग टू बी इंस्टॉल. लेट्स सी व्हाट इज इट गोइंग टू गिव अस. लेट मी सेट दिस टर्मिनल. ओके, sorry, let me settle down it for you. हो जा, okay, done. So हमारा log stash भी इंस्टॉल हो चुका है और अब जो है हम इसकी सर्विस स्टार्ट करेंगे और हम इसको इनेबल भी करेंगे. सो ये इनेबल करते हैं और स्टार्ट करते हैं. पहले स्टार्ट करते हैं हम इसको. ओके, इनेबल करो भैया. ठीक है, कॉपी पेस्ट, इनेबल हो गया जी सक्सेसफुली. और हम जो है अब हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं था क्योंकि हमने लॉग स्टैश से अभी फेंकना नहीं है. हमने इसका स्टेटस जो है टर्मिनल में ही देखना है हमने कि जो है लॉग स्टैश हमारा चल गया है या नहीं, और हमारी इंस्टॉलेशन इस पर कंप्लीट हो चुकी है गाइस. तो दोस्तों, ये आपका स्टेटस, आ जाओ, ये आपका रनिंग लॉग स्टैश इज रनिंग एक्टिव. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा जो कि सिर्फ इंस्टॉलेशन का, ELK का, और आप अपना जो है चीज़ें देख चुके हैं, तमाम चीज़ें देख चुके हैं. अच्छा, इससे आप कंट्रोल सी करके बाहर आएंगे और
ताकि आप दूसरे काम कर सकें। बाद में जो है दूसरी मैं जो है आपको बताऊंगा इंस्टॉलेशन के प्रोसेस, फाइल बीट कैसे करना है, मेट्रिक बीट क्या करती है, और जो है बहुत सारी बीट्स होती हैं जो कि लॉग्स कैसे फेंकेंगी आपके पास किबाना में। तो फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इंस्टॉलेशन देखनी थी जो कि हम देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आपका भाई यहाँ बैठा है आपको डेवऑप्स बनाने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।